के विंध्य और बुंदेलखंड में अगस्त तक हर घर में नल से जल पहुंचाए। मुख्यमंत्री ने हर दिन 50,000 नए कनेक्शन लगाने के लिए कहा है। योगी सरकार के प्रयासों से 1,30,00,000 से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलने लगा है, जबकि हर घर नल हर घर जल के संकल्प के साथ प्रदेश के 2,65,00,000 ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाना है। हम लोगों ने बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहां पर हर घर नल की योजना लागू कर दी है और इस वर्ष के अंत तक प्रयास है कि ज्यादातर गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होती हुई दिखाई देगी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जल जीवन मिशन के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है। जरूरत के मुताबिक मैन पावर बढ़ाई जाए और हर गांव में प्रशिक्षित प्लम्बर की तैनाती की जाए, साथ ही जल जीवन मिशन से सभी गांवों का पारदर्शिता के साथ सत्यापन हो। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC मनी वाइज बी वाइज। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के लिए समीक्षा बैठक। बैठक में सीएम ने सभी विभागों से अलग 10 सालों के रोड मैप पर की चर्चा। बारिश को लेकर सभी विभागों को दिए निर्देश। प्रदेश में बारिश का कहर, मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। देहरादून समेत 5 जिलों में बंद रहेंगे कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल। हरिद्वार में खतरे के निशान पर पहुंचा गंगा का जलस्तर। आपदा केंद्र ने जिलाधिकारी हरिद्वार को लिखा पत्र। सभी इकाइयों को अलर्ट रहने और उचित कार्रवाई करने के दिए निर्देश। जोशीमठ में फिर दरक रही जमीन, दरारों के अंदर से कमरों में घुस रहा बरसात का पानी। डर के साए में रहने को मजबूर हुए लोग।
नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सीएम ने सभी विभागों से अगले 10 सालों के रोड मैप पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने बताया कि बारिश की वजह से सड़कों पर जो गड्ढे हुए हैं, सड़कों पर सुरक्षा पर भी समीक्षा हुई है और आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी विभाग जगह जगह निगरानी कर रहा है। पूरी तैयारियों को लेकर यह समीक्षा बैठक हुई। विभाग अपने अपने जो रोड मैप हैं अगले 10 सालों के, उस रोड मैप पर चर्चा कर रहे हैं और वर्तमान में जो बरसात का समय है, सड़कों में रोड सेफ्टी के काम हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी हैं, उन सभी की समीक्षा हुई है। कलवटें खोली जानी हैं, जर्जर पुल हैं, उन सभी पर बात की है और आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपनी जेसीबियां तैनात करके, गैंग लगाकर जहां भी मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको तत्काल खोलने की व्यवस्था करें और आपदा के समय में हर स्थिति से उस पर लोगों को सहायता मिले, लोगों को परेशानी में न पड़ना पड़े। चार धाम यात्रा भी चल रही है, उसके तहत भी सभी तैयारियां पूरी करके विभाग रखें, इसको लेकर आज समीक्षा की है। वहीं वन विभाग के तहत भी, क्योंकि कैंपा के अंतर्गत आने वाला जो हमारा फंड है उसका ठीक प्रकार से यूटिलाइजेशन हो, यूकेलिप्टस, पॉपुलर, सागवान, इन सभी को किन क्षेत्रों में लगाना है और बांज की जो बांज की पौध है उसको अत्यधिक प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाना है। पिरूल का ठीक प्रकार से उपयोग हो, वन पंचायतों को सब में सम्मिलित करते हुए, आजीविका से भी जोड़ते हुए वन विभाग भी इसमें काम करेगा। तो वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसे देखते हुए 5 जिलों देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। उत्तरकाशी और देहरादून में 1 दिन, उधम सिंह नगर में 2 दिन 10 व 11 जुलाई, अल्मोड़ा में 3 दिन 10 से 12 जुलाई और नैनीताल में 10 से 13 जुलाई तक 4 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है। वहीं बरसाती सीजन में सुरक्षा को देखते हुए ऋषिकेश, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड, ऊखीमठ, चोपता मंडल, गोपेश्वर हाईवे और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक अब आवाजाही बंद रहेगी। वहीं सीएम ने बरसात और अतिवृष्टि को देखते हुए तीर्थयात्रियों से अपील की है कि मौसम का रुख देखकर ही यात्रा करें। तो लगातार हो रही बारिश ने आफत बरपाई हुई है, देवभूमि में आफत की बारिश बरस रही है। मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है और आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से आवाजाही भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रा मार्ग पर रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी। उधर लक्सर में बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए मेन बाजार पहुंचे। इस दौरान मोहम्मद शहजाद ने लोगों को जलभराव की समस्या का जल्द ही स्थायी समाधान करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि समय पथरी रोह नदी में तूफान आने के बाद लक्सर के मेन बाजार में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि नगर के लोगों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए जल्द ही संबंधित अधिकारियों से मिलेंगे। वहीं मोहम्मद शहजाद ने कहा कि जैसे ही कांवड़ मेला खत्म होगा वो जिलाधिकारी के साथ ही अन्य संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और लक्सर में होने वाले जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे। जल्द ही कावड़ के तुरंत बाद डीएम से और जो संबंधित अधिकारी उनसे बात करके, इसमें पहला काम है जो बाहर का पानी लक्सर में आता है, बसेड़ी, ये बुकनपुर, सेठ, पूरे टोटल पानी लक्सर शहर में आ रहा है, ये पानी रुके। और जो लाइन के करीब शुगर मिल का नाला है, दो नाले थे, एक बंद हो गया, एक नाला छोटा पड़ गया है, उसे पूरी तरह खुलवाते हुए ये व्यवस्था दुरुस्त तब हो सकती है। सबसे पहले जो बेसडी की तरफ से पानी आ रहा है वो रुके, वो पथरी में जाए, शेखपुर का, हिन्ना खेड़ी का जो पानी है ये वो रुके, तो मैं समझता हूँ व्यवस्था काफ़ी सुधर जाएगी वो पानी रुकने के बाद। अगर वो पानी नहीं रुकता तो
ये व्यवस्था कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस पर एक लंबा काम करना पड़ेगा। एक दिन में या दो दिन में या नहीं हो सकती है, इसके पूरे तरह सिस्टम बन के जो मशीन लगा करके इंजीनियर इसका सिस्टम बनाए तब ये हल होगा। ये मुझे लगता है कि मैं इस पर जल्दी काम शुरू करूँगा। वहीं पौड़ी जिले के जिलाधिकारी नेशनल हाईवे 58 पर चट्टान के टूटने से सड़क पर आए मलबे से जाम में फंस गए। इस दौरान उन्हें अन्य राहगीरों के साथ सड़क पर पड़े मलबे को हटाए जाने का इंतजार करना पड़ा। जिलाधिकारी के साथ साथ इस दौरान अवरुद्ध मार्ग में एम्बुलेंस भी मार्ग खुलने तक फंसी रही। इस मौके पर डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि संभावित लैंडस्लाइड जोन को देखते हुए एनएच विभाग की तरफ से जेसीबी तैनात किए रहते हैं, जिनकी मदद से जल्द अवरुद्ध मार्ग को खुलवा दिया जाता है। बता दें कि सिरोपगढ़ और लामबगड़ जैसे इलाकों जिसमें लैंडस्लाइड की ज़्यादा संभावना रहती है, वहाँ पर जेसीबी मशीनों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन निगरानी करता रहता है। साहब, जैसे कि जो हमारा चार धाम यात्रा है, ये एक सभी जनपदों के संयुक्त प्रयासों से चलता है। देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ हमारे डेंजर पॉइंट हैं वहाँ पे सुरक्षा की अभी कोई माकूल व्यवस्था नहीं दिख रही है। जो भी लैंडस्लाइडिंग जोन होते हैं वहाँ हम मेनली अपने जेसीबी डिप्लॉय करते हैं, और क्रॉनिक लैंडस्लाइड पॉइंट पे हमारे वॉचर्स और ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए पुलिस रहती, जैसे शिरोबगड़ या लामबगड़ जैसे जो एरिया हैं, तो इसी लाइन पे अभी जो कंडीशन है। तो बीते दिनों से लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है, जिसके चलते जोशीमठ में जनवरी महीने में जो दरारें हल्की पड़ी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। रविग्राम वार्ड में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, जहाँ राणा मोहल्ला में रहने वाले 10 से 12 मकानों में दरारें पड़ने की खबर है। दरारों के अंदर से बरसात का पानी कमरों में घुस रहा है, लोग रात डर के साए में रहने को मजबूर हैं। सीबीआरआई टीम ने जो क्रैको मीटर लगाए थे वो भी धीरे धीरे अब टूटने लगे हैं। हालांकि प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में नजर बनाए हुए है, लेकिन उसके बाद दरार बढ़ने से कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ गई। जनवरी माह के बाद भूदशाव जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके पश्चात अब अगर बरसात की बात करें तो बरसात में निरंतर प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ घरों पर दरारें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और लोगों को उन घरों में रहने के लिए मजबूरन उन घरों को रहना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोगों का अभी तक कोई मुआवजा, उनकी कोई फाइल नहीं बन पाई है, उनको असुरक्षित की श्रेणी में नहीं रखा गया, और जिनको पहले रखा भी गया है उनके भी अभी तक मुआवजे तय नहीं हो पाए हैं, लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो अगर इस पूरे माह बरसात रहती है तो इस स्थिति को अगर देखें तो इन घरों में रहना असुरक्षित ही कहूँगा, और जल्द से जल्द इन लोगों का मुआवजा दिया जाना चाहिए, इन घरों को असुरक्षित की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, और जल्द से जल्द इनकी व्यवस्थाएं कराई जानी चाहिए, क्योंकि ये पूरा ही मोहल्ला, अगर इस मोहल्ले की बात करें तो 18 से 20 घर हैं और उनमें से लगभग 12 से 13 घरों में बहुत ज़्यादा दरारें पड़ चुकी हैं, और इन घरों का एक बार फिर से सरकार को इसको फिर से एक बार दिखवाना चाहिए, और क्या इनकी स्थिति बनेगी, क्या इनका मुआवजा बनेगा, कहाँ इनको शिफ्ट किया जाएगा, ये जल्द से जल्द तय किया जाना चाहिए। उधर रुड़की में लगातार हो रही बारिश ने लोक निर्माण विभाग की पोल खोलकर रख दी है। सोनाली नदी के ऊपर वैकल्पिक पुलिया का निर्माण हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि बारिश से ये पुलिया पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इस पर हमारे संवाददाता सुनील पटेल की एक खास रिपोर्ट देखिए। ये सोनाली पुल के नीचे बनी थी और इसमें अभी 3 महीने हुए, 2 मशीन जो बीएचएल का काम था ये सारा, तो मशीन तो चले गई, अब ये बनाई हुई पुलिया ये सारी टूट गई पानी के द्वारा। ये अभी ज़्यादा बारिश तो अभी एक हफ्ता इससे ही शुरू हुई है, तीन दिनों की बारिश से ही टूटा है, वरना अभी तो चल रहा था ये सही था पुल। लागत तो इसमें कम लगाई हुई है, बाकी मलवा होता है जो घरों का वो ज़्यादा डाला गया हुआ है इसमें, वो ज़्यादा टिकता नहीं है, इसमें मोटे मोटे पत्थर चलता है जब बांध बनता है जब चलता है। जहाँ राज्य सरकार में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है तो वहीं अगर देखा जाए तो अभी भी जो निर्माण कार्य है वह दर्शा रहे हैं कि जो विभाग के द्वारा काम होते हैं वह कितने सही होते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोनाली पार्क रुड़की पर, जहाँ अभी 3 महीने भी नहीं हुए और 14,74,000 रुपये की लागत से एक पुलिया का निर्माण कराया गया था, जिस पुलिया पर गुजरते हुए बीएचएल की 2 मशीनें हर साल जाती है, तो उसी पुलिया को इस बार लोक निर्माण विभाग रुड़की के द्वारा बनाया गया था। वही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उनके द्वारा जो यहाँ पर लागत लगाई गई है और कब ये बनाया गया है, वह तारीख आप इस बोर्ड पर अच्छे से देख सकते हैं। आप देखते हैं जो कार्यदायी संस्था है वह लोक निर्माण विभाग रुड़की है, और जो लागत इस पुलिया को बनाने में लगी है वह 14,74,000 रुपये दिखाई गई है।
अगर बात करें तो ये 19 अप्रैल 2023 को बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन 3 महीने भी ये इतनी लागत से बनी पुलिया नहीं चल पाई है। ये 2 से 3 दिनों की बारिश ने पोल खोल कर रख दी है लोक निर्माण विभाग रुड़की की। आपको बता दूं कि जो पुलिया आप देख रहे हैं जो टूटी है, ये है अभी 2-3 महीने भी पूरे नहीं हुए जो बनकर तैयार हुई थी और 2 से 3 दिनों की बारिश में ही पूरी बह गई है। अब इस पर सवाल खड़ा होता है कि जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगने वाली बात कही जाती है, वह विभाग के जो अधिकारी है उसको कितना सच कर रहे हैं। मैं सुनील पटेल, जनतंत्र टीवी, रुड़की। वहीं देहरादून में मानसून आने के बाद टमाटर के दाम 100 रुपये से 200 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं, जिस कारण आम जनता को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है, जिसको लेकर देहरादून की निरंजनपुर मंडी में मंडी के निर्देशन में मंडी में टमाटर के 5 आए गए हैं, जिन पर 50 रुपये से 70 रुपये किलो टमाटर बेचे जा रहे हैं। आपको बता दें कि सस्ते काउंटर तब तक लगे रहेंगे जब तक टमाटर के दाम कंट्रोल में ना आ जाए। साथ ही लोग काउंटर पर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक टमाटर खरीद सकते हैं और टमाटर के दाम उसकी गुणवत्ता पर तय किए गए हैं। तो लगातार टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का पूरा बजट बिगड़ गया है और कई जगहों पर तो रसोई की थाली से टमाटर ही गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं। 200 रुपये प्रति किलो टमाटर का दाम पहुंच गया है, जिससे आम जनमानस को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसे में देहरादून में निरंजनपुर मंडी में अलग से 5 काउंटर्स लगाए गए हैं, जिनमें टमाटर की बिक्री की जा रही है और 50 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से टमाटर यहाँ पर उनकी गुणवत्ता के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। इससे लोगों को खासा फ़ायदा यहाँ पर हो रहा है, लोग सीधा जाकर टमाटर यहाँ पर खरीद सकते हैं और कम दामों में उन्हें टमाटर मिल जाएंगे। तो टमाटर की कालाबाजारी को रोकने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा है और मंडी परिसर की पहल से अब लोगों को महंगाई की मार से थोड़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं मंडी परिसर का कहना है कि जब तक टमाटर के रेट कंट्रोल में नहीं आ जाते, तब तक ये काउंटर्स लगे रहेंगे और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ग्राहक सीधे मंडी से टमाटर खरीद सकेगा। ये जो बरसात के कारण आपको पता है कि टमाटर के जो रेट हैं बहुत हाई हो गए हैं, बारिश के कारण फसल की काफ़ी बर्बाद हो चुकी है और जो हमारे उत्तराखंड का टमाटर बेसिकली जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून का क्षेत्र है, जैसे चक्रवाता और नेटपाड़ वगैरह, वहीं से हमारे यहाँ टमाटर आता है। बाहर से इसमें लगभग टमाटर बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर आ रहा है, क्योंकि नासिक, महाराष्ट्र और बेंगलोर में काफ़ी मात्रा में बारिश हो गई जिससे पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और विद इन स्टेटी हमारा टमाटर आ रहा है। लेकिन उससे फलस्वरूप क्या हो रहा है कि टमाटर की कम मात्रा के कारण क्या हो रहा है कि रेट उसके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे कृषि मंत्री और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप इसके मंडियों में काउंटर लगाएं, रिटेल काउंटर स्थापित किए। तो इसी को लेकर हम लोगों ने पूरे देहरादून, ऋषिकेश और अदर मंडियों में भी हमने डायरेक्शन भी दिए थे और उसमें हमने खुद भी बैठक की और व्यापारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम जो है टमाटर की थोक रेट पर ही रिटेल काउंटर मंडी में खोलेंगे। तो उसको लेकर हमने 5 काउंटर रिटेल काउंटर हमने देहरादून मंडी में खोले हैं और उसमें जो रेट हमने 50 रुपये से लेकर 70 रुपये किलो पर केजी रखा है और उसमें कंडीशन ये भी रखी है कि कोई भी आम उपभोक्ता 2 किलो से ज़्यादा टमाटर नहीं ले जाएगा और उसके लिए हमने उसका रिकॉर्ड भी तलब किया वहाँ पे, जैसे मोबाइल नंबर और कहाँ से आ रहा है, उसका नाम पता इत्यादि। तो सरकार की जैसी मंशा है कि महंगाई को कैसे कम किया जाए, इसी को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय कृषि मंत्री और हमारे उच्च अधिकारी काफ़ी संवेदनशील है और उनके दिशा निर्देश में ही ये काउंटर पूरे उत्तराखंड की मंडी समिति में खोली गई है। वही उत्तराखंड में मानसून की पहली बारिश ने ही शासन प्रशासन की पोल खोल दी है। पिछले 48 घंटे से लगातार उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में बारिश अपना कहर बरपा रही है। तो वहीं राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते स्थानीय लोगों और व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से स्मार्ट सिटी का कार्य राजधानी देहरादून में जोरों पर है, लेकिन अभी तक स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण मानसून के आते ही लोगों को और व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विधायक खजान दास ने भी माना है कि कहीं स्मार्ट सिटी के कार्यों की गति धीमी हुई है, जिस गति से कार्य होने थे उस तेज़ी से कार्य नहीं हो पाए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्दी इसकी समीक्षा बैठक करने को कहा है। साथ ही कहा है कि जो अधिकारी और कर्मचारी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उधर काशीपुर में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। दरअसल बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को फतेह करना चाहती है। इस दौरान काशीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विकास पुरुष मत और लोगों से संपर्क बना रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी सदस्य आकाश सिंह कम्बोज से बातचीत की, सुनिए। जिले से आगामी चुनावों को लेकर 2024 को रणनीति अपनी तैयारी कर ली है, उसको लेकर हमारे बीच युवा भारतीय जनता मोर्चे से आकाश कम्बोज हैं, जो लगातार मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आइए उनसे बात कराते हैं किस तरीके की तैयारी चल रही है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन अपनी तैयारी नहीं करती, अपना काम करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी जन जन के पास जाकर, लोगों के पास जाकर अपना काम करती है। और लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आएगा, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। और नरेंद्र मोदी जी की काम को देखते हुए जो लोगों के मन में जो लगाव है उनके प्रति, सेम उसी तरीके से हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन पूर्ण बहुमत से हमारे नगर निकाय सरकार बनेगी। और काफ़ी अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और हमारा जो महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, घर घर जाके महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, पूरी विधानसभा 63 नहीं, पूरी विधानसभा 63 के में भी हम पूरे में घूमे हैं। और पूरे प्रदेश भर में हमारा महाजनसंपर्क अभियान बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और हमारी पूर्ण बहुमत से 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बात करें जिस तरीके से 2024 को फतेह करने की बात करी है, भारतीय युवा मोर्चा के बड़े नेता हैं, इस तरीके से देखा जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 नरेंद्र मोदी पार कर पाते हैं नहीं। काशीपुर से जनतंत्र टीवी के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। तो सावन का आज पहला सोमवार है, पूरी देवभूमि में शिवालयों में बोलबम के जयकारे गूंज रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के शिवालय सज गए हैं। सावन के पहले सोमवार पर विशेष अनुष्ठान रुद्राभिषेक का आयोजन भगवान शंकर के मंदिर में किया जा रहा है। तो कनखल में दक्ष प्रजापति मंदिर सहित धर्मनगरी के विभिन्न मंदिरों में शिव भक्तों का रेला उमड़ रहा है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए हैं, साथ ही मंदिर कमेटी ने विशेष तैयारियां भी की हैं। तो वहीं भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार के कनखल स्थित शिव की ससुराल दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर में शिव भक्तों की कतारें लग गई। माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शंकर अपनी ससुराल में रहते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं, और ऐसे में सावन के सोमवार को यहां भगवान शंकर का जलाभिषेक करने की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और आज जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई थी। भगवान की ससुराल है, भगवान भोलेनाथ की ससुराल है। दुनिया का प्रथम विवाह भगवान शिव और सती का इसी जगह पे कनखल में हुआ था। और श्रावण के महीने में भगवान शिव ने अपने ससुर राजा दक्ष को ये वरदान दिया था कि हे राजा दक्ष, श्रावण के महीने में मैं यहीं पर निवास किया करूंगा और तुम्हारे ही नाम से जाना जाऊंगा और पूजा जाऊंगा। तो भगवान शिव यहाँ राजा दक्ष के कटे हुए धड़ के रूप में विराजमान है और उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं एवं पूजे जाते हैं। क्योंकि भगवान शिव अपने मस्तक पर गंगा धारण किए हुए रहते हैं, गंगा धारण करके ही भगवान महादेव दुनिया में भ्रमण करते हैं, इसलिए लोगों के मन में ये भाव रहता है कि हम भी गंगा जल एक लोटा कर उनके मस्तक पर चढ़ाएंगे तो भगवान महादेव हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। इस भाव से लोग भगवान के ऊपर गंगा जल चढ़ाते हैं। मन में बहुत श्रद्धा है, यहाँ जो भी कोई मनोकामना मांगते हैं वो सारी पूरी होती हैं। और मैं तो भाई जितनी भी मनोकामनाएं सारी यहीं से ही पूरी होती है। दक्ष मंदिर का बहुत महत्व है यहाँ। क्या नाम है आपका? कविता। जल चढ़ाया आज पहला सोमवार है। हाँ जी, हाँ जी। क्या मन में है, क्या मान्यता है यहाँ की? श्रद्धा है पूरी और बाबा पे पहले से बचपन से ही आ रहे हैं और बस बाबा के दर्शन हो गए, सबसे बढ़िया है यही। सारी संपूर्ण मतलब ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, इनमें पूरा विश्वास। तो प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बारिश से चारधाम यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा की बात करें तो भारी बारिश में भोले के भक्तों का उत्साह चरम पर है। इस दौरान भारी बारिश के बीच भी कांवड़िया हर हर महादेव और बोलबम के उद्घोष के साथ लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश से जहां एक ओर चारधाम यात्रा पूरी तरह प्रभावित हो रही है, वहीं बारिश से कांवड़ यात्रा पर कितना असर पड़ रहा है, इसी को देखने के लिए आज हमारी टीम यानी जनतंत्र टीवी की टीम निकली है ग्राउंड जीरो पर।
और आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं कावड़ पटरी पर इस वक्त मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो शिव भक्त हैं अपने गंतव्य की ओर बम बम के जयकारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ शिव भक्त यहां पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि बारिश को लेकर कितना असर कावड़ यात्रा पर है। जी, क्या नाम है? कृष्ण पाल सिंह। सर, कहाँ से आए हैं आप? सरहापुड़ से। आप बारिश का कितना असर देखने को मिलता है? बारिश रास्ते में मिली थी सर, थोड़ी सी बस, बाकी इतनी नहीं है। कितना असर मानते हैं कावड़ यात्रा पर बारिश का? कावड़ यात्रा पर कोई असर नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, बाकी कोई असर नहीं है। कैसा सफर हो रहा है? ठंड का माहौल हो जाता है? ठंड के माहौल में तो चलने में और आनंद आता है। कितना लंबा सफर है आपका? मेरा 220 किलोमीटर का। कुछ और सिर्फ भक्तों से बात करने की हम कोशिश करेंगे कि कहां से आए हैं। जी, क्या नाम है? बोले उमेश। कहां से आए हैं आप? दिल्ली से। कितना लंबा सफर है आपका? काफी सफर है। बारिश भी है, कोई दिक्कत तो नहीं होती बारिश में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा है कि जो शिव भक्त हैं वो लगातार ही भारी बारिश के बाद भी जो उनकी यात्रा है वो लगातार जारी है, यानी कहा जा सकता है कि आस्था पर कहीं ना कहीं जो बारिश है उसका कुछ असर नहीं हो रहा है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, जनतंत्र टीवी, हरिद्वार। उधर उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्कूल से घर लौटने के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई नाबालिग छात्रा को पुलिस ने मेरठ से सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों पर नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। काशीपुर सीओ वंदना शर्मा ने कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। सात तारीख की घटना है। एक कुंडेश्वरी निवासी व्यक्ति है जिनके द्वारा उनकी नाबालिग लड़की है 15 साल की जो यहाँ जीवीपन स्कूल में पढ़ती है, इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके द्वारा दिखाई गई थी और साथ ही साथ उनका मोबाइल फोन भी गायब था। दरअसल हमने उस नंबर की जब CBR निकाली तो लड़की का एक अमरोहा निवासी युवक के साथ लगातार टच में होना पाया गया और इस सूचना पर अमरोहा से हमने लोकेशन निकाल कर हमारी टीम ने SI संतोष देवारी है उनके साथ एक कॉन्स्टेबल उन लोगों ने जाकर वहाँ दबिश दी। अमरोहा जाकर दबिश देने पर लड़की और दो लड़के वहाँ से बरामद हुए। लड़की भी वहाँ उसकी दोनों के साथ वहाँ पर मिली और जो दो लड़के थे उनमें से एक दीपचंद है जिसके साथ उसकी लगातार फोन पर बात होती थी और 2 महीने पहले ये उससे संपर्क में आई थी एक शादी समारोह में। और दीपचंद्र के अलावा एक उसका पुत्र है रोहित को ही लड़की नहीं जानती है, लेकिन दोनों के द्वारा 7 और 8 तारीख की रात को इसके साथ बलात्कार की घटना की गई है। इस सूचना पर हमने तुरंत ही कार्रवाई की और SI ने तुरंत दोनों टीमों के मामले को वापस काशीपुर लेके आए हैं और अभी मामले में मुकदमा प्रवीण कर दिया है और साथ ही साथ इसमें बलात्कार की धाराओं में उन दोनों लड़कों की अरेस्टिंग की गई है। अभी चूँकि ये लड़की नाबालिग है तो इसमें महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा अग्रिम निवेदन संपादित की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। गरीब कल्याण के लिए समर्पित डबल इंजन की सरकार कर रही है घर का सपना साकार, साथ ही माफियाओं से जमीन मुक्त करवाकर गरीबों के लिए बन रहे पक्के आवास और पूरे देश में बनी मिसाल। भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना से 6 साल में उत्तर प्रदेश के 54 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है। इसके साथ ही मुफ्त बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, शुद्ध पेयजल आदि की सुविधाएं भी मिल रही हैं। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक छत दिया है, मैं आज थोड़ी खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सपने कर रही साकार डबल इंजन की सरकार। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC, मनी वाइज बी वाइज। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है।
ताकि आप जो भी खाएं